एटा में दबंग देवर और देवरानी और ससुराल जनी से परेशान एक पीड़िता महिला एटा एसएसपी ऑफिस पहुंची। एटा एसएसपी कार्यालय पहुंचकर पीड़िता नीतू सिंह ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। एटा एसएसपी राजेश कुमार सिंह ने पीड़िता को न्याय का भरोसा दिया। बता दें कि ससुराल जनों ने एक हफ्ता पूर्व एक बहू नीतू सिंह के साथ देवर ज्ञानेंद्र और उसकी पत्नी और सास ने उसके साथ की मारपीट और जमकर पिटाई की, लेकिन थाना जयकरा पुलिस ने उसकी एक न हुनी, जिसके बाद पीड़िता नीतू सिंह ने एसएसपी कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? नीतू, क्या वजह है आप कप्तान साहब के कार्यालय कई बार आ चुकी हैं, क्या मामला है? किस डेट में मारा था? 5 मई को, और मैंने वहाँ पर अपनी शिकायत भी दर्ज कराई, बट उन्होंने मेरा मेडिकल कराया और उसके बाद भी मेरी शिकायत दर्ज नहीं। कहाँ किस थाने का मामला है? जैतरा थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद भी उन्होंने मेरी कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से मैं कई बार थाने के मैंने चक्कर भी लगाया, बट वहाँ के थाना प्रभारी जी ने मेरे साथ बहुत ही गाली गलौज तरीके से बात। क्यों गाली गलौज क्यों किया, भद्रता क्यों किया? इस वजह से वो बोले कि तेरा केस झूठा है, तूने अपने आप से खुद को अलर्ट किया है। कहाँ है आपको जो चोट लगी है, कहाँ कोई है उसका कुछ? जी मेरे फोटो क्लिक किया। क्या है इसमें देखे, मेरे आँखों के पास और गले के पास सारे निशान थे, मेरी पसलियों में भी चोटें आई थी, पैरों में भी चोटें, उसका मेडिकल है। क्यों मारा पीटा था आपको, किसने मारा था? मेरे देवरों ने और मेरी सास को देवराने ने। क्यों मारा था? घर में रहने के पीछे मैं कैसे जैसा में रहती हूँ किराए के मकान में, प्रॉपर्टी को लेकर के जी प्रॉपर्टी का इशू था उस वजह से, और मैंने बस मैं तो छुट्टियों की वजह से रहने के लिए गई थी, उन्होंने सोचा ये मकान में हिस्सा। किस गांव का मामला है ये? नकला सदर। अब क्या मांग करती हैं कप्तान साहब से, क्या मांग करती हैं? मैं कप्तान साहब से न्याय की मांग कर रही हूँ कि मेरी सुनवाई की जाए। अब एफ आई आर दर्ज नहीं हुई है पिटाई वाले? नहीं सर, मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो किस उन्होंने क्या एफ आई आर करा दी आपके ऊपर? उन्होंने मेरे ऊपर एफ आई आर दर्ज करा दी और मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं, आपको पीटा और आपके खिलाफ भी एफ आई आर हो गई? जी मेरे ही खिलाफ एफ आई आर करवा दी, और मेरी मम्मी और मेरे भाई उस सबके खिलाफ एफ आई आर दर्ज करा दी, जो वहाँ पर मौत के बाद आपके कोई था भी नहीं, और उसके बावजूद कप्तान साहब से मिली उसके बाद में आप? जी मैं एक बार कप्तान साहब से भी मिल चुकी हूँ, उन्होंने जांच का आदेश दिया, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। थाने में कोई सुनवाई नहीं कर रहा आपका आरोप? सुनवाई नहीं कर रहा।